उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत सरकार के मंत्री कृषि राधा मोहन सिंह ने पीपीगंज स्थित चौक माफी में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का फीता काटकर तथा शिलापट का अनावरण कर लोकार्पण किया तथा दो दिवसीय पूर्वांचल किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रांत जनपदों के संबंधित विभागों के लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। इसी के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही है जिससे किसान समृद्धशाली बन सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा अक्षरान पुष्पाश समर्पयामि। प्रदेश के अंदर ना करो भाई, नीचे करिए जगदम्बा भैया, क्या फायदा हो रहा है। पौने दो वर्ष के दौरान बोले बोले मत के भाई, हम लोग 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत कराने में सफल हुए हैं। अरे इंडिया टीवी सही लगा यार। भारत सरकार ये कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश सरकार को पिछले 4 वर्ष से देना चाहती थी, लेकिन प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार का नकारात्मक रवैया इन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना में सबसे बड़ी बाधक थी। आज एक कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी में इसके प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया गया है। ऐसे ही जिन जनपदों में कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है वहां पर नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाने, या जहां पर पहले से एक कृषि विज्ञान केंद्र है और बड़े जनपद हैं उन जनपदों में एक अन्य नया कृषि विज्ञान केंद्र बनाने की कार्रवाई भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र किसान को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, उन्नत तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध कराने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस दिश से प्रदेश के अंदर अब हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र इसके बाद हो जाएंगे, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों को आच्छादित करते हुए प्रदेश के किसानों की आमदनी को प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुना करने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश ने विगत 1.25 वर्ष के दौरान खेती किसानी से प्लान कर चुके किसानों को वापस खेती बाड़ी की ओर मोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, चाहे वह फसल ऋण माफी का हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड का हो, केंद्र और प्रदेश सरकार की किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की योजना हो, या फिर MSP का लाभ, लागत का 1.5 गुना दाम पहली बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराया, और अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी किसानों के जीवन में जो व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये अपने आप में आने वाले समय में 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करने की प्रधानमंत्री जी ने जो एक सीमा तय की है उस सीमा के अंदर इस इन कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इस भाव के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे।